नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। जामताड़ा शहर के दुमका रोड बस स्टैंड के पास ईसीएल साइडिंग के गेट पर चार दुकानों में देर रात भीषण अगलगी की घटना हुई, जिससे चारों दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। अगलगी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इस संबंध में दुकानदार अशोक मलिक, अफरोज मंसूरी, रामबली और मेघलाल दास ने बताया कि रात के 2:30 बजे उन्हें खबर मिली कि दुकान में आग लग गई है। फौरन अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन देर रात लगी इस आगलगी में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है, जिससे अब दुकानदार परेशान हैं, मुआवजे की मांग ये कर रहे हैं। नाम है अशोक मल्लिक। मेरा तो रात को फोन किया वही 2:45 में कि दुकान में तुम्हारा आग लग गया, जैसे बोला हम पूरा था दुकान देखने, तब तक जल के खत्म हो गया। घटना लगभग 2 बजे की घटना है और जब आग लगी तो यहाँ पर साइडिंग में गार्ड रहते हैं और यहाँ पेट्रोलिंग पार्टी रहती है, तो पेट्रोलिंग पार्टी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और तुरंत फायर ब्रिगेड आकर के आग।